कृष्णदर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमर भारत सरकार के नाना प्रकार के योजना कृषि के क्षेत्र में निकलत हवे और एकर जानकारी आप मन के क्षेत्र के एआरईओ है, जिन कृषि विस्तार अधिकारी है, जल्ला हमन हा ग्राम सेवक कैथन, ओकर से भी आप मन ला मिलत रही थे। फिर संगवारी हो, ये बात ला आप मन ला बता देथन कि जिन कृषिहीन जिन हमर किसान भाई हवे, जिन भूमिहीन हमर किसान भाई हवे, तेन मन बर हमर भारत सरकार ह सामूहिक खेती के योजना निकाले है, जेमा जेकर मन के पास में जमीन नहीं है वो मन ह 21 जन के समूह बना करके सुघर खेती के बूता ला कर सकते, जेकर बर जमीन ओला भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट यानी कि वहाँ के प्रदेश के जिन योजना है तेकर अंतर्गत ओला मिल ही। तो संगवारी हो, ऐसे ही हमारे किसान भाई मन है अपन अपन क्षेत्र में व्यावसायिक तौर से खेती बाड़ी के बूता ला करत हवे और सामूहिक खेती करत हवे और सामूहिक खेती के संगे संग विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के साग भाजी फल एमन हा उगावत हवे और अपन अपन क्षेत्र में आर्थिक उन्नति ला करत हवे। तो संगवारी हो, आज हमन हा ऐसने ही समूह में आए हबन और जे गांव में आए हबन वहाँ हमारे समूह में हमारे भाई मन हा खेती किसानी के बूता ला करत है और सुघर यहाँ टमाटर के खेती हुआ थे। जानबो कि टमाटर के खेती हम कैसन ढंग के करण उन्नत खेती ये विषय में, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास। कृषि विभाग में संचालित कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे कि किसान भाइयों को निश्चित ही कुछ लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आज हमारा माहौल जैविक खेती का है, तो मैं आपको पहले जैविक खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। इस जैविक खेती में सबसे पहले हम मनरेगा योजना के तहत वर्मी टाकों का निर्माण कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए। यह इसकी लागत 16,000 रुपये है। जिन भी किसान भाई वर्मी टाका बनवाना चाहते हैं उन वह अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं और प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे कि एक गांव में हम जितने भी किसान भाई बनाना चाहते हैं उनके यहाँ पर हम वर्मी टाके बनवाएंगे। साथ ही साथ हम नगरी क्षेत्र में अभी कुओं का निर्माण भी कर रहे हैं और जो सफल होने पर हम इनको जिले के अन्य विकास खंडों में भी इसको लेके जाएंगे। इसके अलावा कुछ हमारी योजना है जो शासन की तरफ से है। एक सबसे बहुत अच्छा जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है कौशल दक्षता उन्नयन, उसके तहत जो भी बेरोजगार युवक है कुछ रोजगार करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो कुछ प्रशिक्षण हमारे विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर रिपेयरिंग का कोर्स है, पंप रिपेयरिंग का कोर्स है और स्प्रिंकलर है, इसके अलावा डस्टर है, इन सब के रिपेयरिंग कोर्स अलग अलग हम चला रहे हैं। टिलेज इक्विपमेंट्स के भी हम कोर्स चला रहे हैं, जो कि इसका 1.5 से 2 माह के प्रशिक्षण के बाद हम किसानों को कई तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि हम उनको ऋण दुकान अगर खोलना चाहते हैं तो हम उनको ऋण दिलाते हैं। आजकल मुद्रा योजना बैंकों में चल रही है, उसके तहत हम उनको ऋण दिलाते हैं। तो भाई संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। जैसे कि आज मन चर्चा करबो कि टमाटर के आधुनिक खेती हम कैसे ढंग के कर सकन, ये विषय में इही विषय में चर्चा करे बार आज हमारे संग महावय डेरा राम सोनकर जी, एक बढ़िया किसान भाई हरे ये है और नौजवान किसान भाई हरे, एक से मन है डेरकन गोट बात करबो। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है भैया। और जैसे कि हमारे संगवारी मन आप मतलब देखा थे टीवी के माध्यम से, जानना चाहते कि आप मतलब खेती बाड़ी के बूता करत कतेक समय हो गए? इला तो बचपन से करत आती बन भैया, समझ जा जब से 10 साल के रहे ना माँ बाप के साथ से ही खेती बाड़ी की शुरुआत करे ही। अच्छा अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा आप अनुभव रखते हो खेती बाड़ी के बूता के, है नहीं? तो जिसे आप मन है जानत हो कि 10 साल की उम्र से मतलब आप छोटे रहे वो समय में, अब हम ये जानना चाहते हैं कि पहली के खेती जब करत रहे और आज के खेती में आप लोग कतेक अंतर लगते? अब वो समय बिल्कुल यह रही सिर्फ, अब वो समय आदमी मन है दवाई पानी ज्यादा तौर से कोई चीज जाने नहीं, जैसे भी पाए बस पानी पला दे ओकर हिसाब से कर दे, वो भी सिर्फ सीजन सीजन में ठंडा बस में कर पाए। वो समय कोई मोटर पंप या कोई साधन पानी पलाए के रही भी नहीं, वो समय से ही वे। अब
जो हिबे वो पूरा विज्ञान के भरोसा हो गए हिबे, पूरा मोटर पंप हो सब चीज बकायदा ये हो गए है। यानी कि कहा जाए कि पहली के जन खेती रही से संगवारी हो वो ऐसा ढंग के रही से कि आप मतलब कोनो भी प्रकार के विशेष तैयारी करे के जरूरत नहीं रही से, आप मन बढ़िया खेती खेल तक कोड़ देवा और बढ़िया उमा गोबर खाद डाल करके। एकर कारण ये है संगवारी हो कि पहली के जो समय रही से आबो हवा रही से वातावरण रही से बड़ा शुद्ध रही से, और आज के समय में जिसे आप मन देखत हो कि जगह जगह हर चीज़ में चाहे वो पानी होए हवा होए सब में पॉल्यूशन होवत जात हवे। तो संगवारी हो एकरे पाके हमर जन कृषि वैज्ञानिक मन है ओमन कही थे कि आप मन हाँ खेती किसानी के बूता में जैविक खाद के उपयोग ला करो, बहुत सुग्घर बात है। तो भैया हम एक बात और जानना चाहबो कि आप बढ़िया सुग्घर टमाटर के खेती ला करत हो, टमाटर के खेती पर कैसन ढंग के माटी होना चाहिए और कैसन ढंग के आप मन माटी के तैयारी ला करत हो? ये माटी ये है कर लिए तो यह माटी ना कोई भी हर किस्म के हो जाते है, मतलब ये प्रांत में होते तेला बाहर के तो नहीं मालूम ही वे, बाकी ये हमारे छत्तीसगढ़ में हर तरफ टमाटर के खेती के लिए उपयुक्त माटी ही वे जहाँ तक के। अच्छा, अच्छा। हाँ, और तैयारी तो मस्त जोत यह जोत के जोत फांद के अच्छा से गोबाड़ वोबाड़ डाल के यह तैयारी करता। हाँ तो जिसे हाँ यह जोतेज के समय में गोबाड़ वोबाड़ के सबके यह डाल दे रही थन। तो जैसे भैया आप बात करे हो कि गोबर खाद ला जोते के समय में डाल देते हैं, कहाँ समय होते कि हमारे जो संगवारी मन है तेन हाँ कौन से समय आही तेमा अपन खेत के तैयारी करे, कौन से महीना में खेत के तैयारी होना चाहिए? टमाटर के खेती तो ऐसे 12 महीना होते है, लेकिन खास सीजन का ठंडा है। अच्छा। हाँ वो समझ ये में कुआर कथा अगहन पूस और खास सीजन के खेती है। हाँ मतलब वही समय हमारे किसान भाई मल्ला अपन खेत के बढ़िया जोताई करे के ओला गोबर खाद डाल के छोड़ देना चाहिए। हम बैठन की एला खेत ला हमला छोड़ देना चाहिए गोबर खाद डाले के बाद में, क्या कारण है भैया ओला छोड़ देते? अब उमा जमीन में थोड़ा बहुत घाम वाम खिला खवाबे ना और यह होते तो कर वजह से वाला छोड़बे तब फिर ठीक रही थे, और वैसे में क्या है बार बार कच्चा कच्चा में बोबे तो वहाँ कहीं कहीं गलन रोग आई आऊ कहीं बीमारी आई ओकर मुख्य उद्देश्य घाम खवाए के वही रही थे। जैसे हमारे किसान भाई मन है अपन देसी टमाटर ला बोवा था, अब ओला लंबा चौड़ा जगह में बोना हवे तो उपचार के का विधि है का तरीका है? अब उपचार के तो यह बीजा में ना जिससे कि वो यह कीड़ा वीरा खा जाते यह डालबे तो एक वजह से बाउस्टिन पाउडर और कुछ पाउडर ऑर्डर मिला के वाला बीज उपचारित करथन। हाँ तो किसान भाई ये बताओ कि हमन जब बीज लबोथन वो समय में कहे जाते कि वैज्ञानिक ढंग लगकर खेती करथन तो वैज्ञानिक ढंग ले ही बोल लगी का ओकर मापदंड रही थे बीज ल बोए के, कैसे अपन बुझो कौन से समय होते बीज बोए के? ओला क्यारी बना लेथन, वो क्यारी बनाए के बाद में ना बीजा ला डालथन तो डेढ़ डेढ़ फीट एक एक फीट ऐसी दूरी पेड़ से पेड़ की दूरी में रखथन। अच्छा, बीजा ला। हाँ, हाँ, हाँ। वही करके पानी वानी पला देथन। पानी पला देथन। हाँ तो बहुत अच्छा बात है भैया, आपके क्षेत्र में बढ़िया सकुशल पानी आप मन के ला आवत हवे और बोर वोर लगे हुए यहाँ बढ़िया है ना। तो ये तो रही इस बात ये कि हमारे जो भाई है तेकर घर में तेकर यहाँ बोर बढ़िया लगे हवे, लेकिन आज के समय में पानी के सुरक्षा भी उत के जरूरी हवे। हाँ। और एक रे पाके हमारे भारत सरकार के अगला योजना ये हुए है संगवारी हो कि आप मन हाँ ड्रिप इरीगेशन के इस्तेमाल करके खेती बाड़ी के बूता ला करे करो, ओकर से पानी के भी बचत होते और आपके फसल है बहुत सुघर ढंग ले होते। अब हम बात करबो कि हमारे क्षेत्र में हम बढ़िया टमाटर की खेती लग रहा था भैया, शुरुआत में हम लोग कब कब कितना कितना पानी देना है, हमारे जो पौधा बढ़ा जात है ओकर हिसाब से हम लोग कितना कितना? वो तो यह के जमीने के ऊपर में हेरी थे, वो खुद ब खुद पता लग जाते कि सूख जाते जमीन है तो पानी डाल देता, लेकिन अधिकांश तौर से यह गर्मी के दिन मन में 5 दिन 6 दिन में ऐसे हो जाते, ठंडक दिन में ओकर मात्रा बढ़ जाते 8 दिन 10 दिन हो जाते। हाँ वो दिन के हिसाब से रही था। जी 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 जी, यानी कि कहा जाए कि हमारे जो खेत है तेमा नमी बरकरार रहे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, नमी हाँ बरकरार रहे, पानी के समय पानी के प्रबंधन के समय ये बात के विशेष बात के ध्यान ला रखना है। अब जब हमारे खेत में हमारे फसल बड़े हो जाता है ओमा फल फूल के बारी आवत हवे तो यही समय में हमला खातू डाले के दवाई डाले के घलोक जरूरत पड़ते,
कैसन प्रकार के दवाई ला हमन डालथन? अब ओमा बीमारी देख के डालथन भी हमन ह, यह हमेशा घूम घाम के देखत रहथन, कभी गलन रोग आगे तो कभी पेड़ के पत्ता जात रहते वो कराऊ ये। अब 10 किस्म के बीमारी है, 10 किस्म के दवाई भी आते वैसे, अब वो बीमारी देख के ही दवाई उपयोग करथन हमन। भैया आप सुघर रंग के जानकारी हमारे संगवारी मन ला दे हो, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो, जिससे कि आप अपन देखे सुने हो कि अपन अपन क्षेत्र में हमारे किसान भाई मन सामूहिक खेती ले घलो आर्थिक उन्नति ल करत हवे। आप मन भी अपन क्षेत्र में ऐसने ही आर्थिक उन्नति करो, सामूहिक खेती ल करो। संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठन संदेश के, संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखो ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की, या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता।
अभी संगवारी हो आप मन देखत हो कि हमर मुकेश सोनकर भाई हमर संग में हबे और खेती किसानी के बूता ला ओहू हब बचपन ले करत हबे। मुकेश भैया हमर कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत हबे। अब जैसे कि हमर किसान भाई मन आप मन ला देखत हबे और आप मन अपन अपन क्षेत्र में सुगर टमाटर के खेती ला करे हबो है नी, तो ये टमाटर के खेती ला करे हो तो ये काय टमाटर है भैया, कौन से प्रकार के टमाटर है? देसी हाइब्रिड है। अच्छा अच्छा अच्छा, देसी हाइब्रिड टमाटर है। कतेक महीना फसल होत हो ये? लगभग दो ढाई महीना में तो पेड़े तैयार होते कर, यही पर एक बात चार महीना का मान लेना, चार महीना के पूरा आखिरी खोदला, चार महीना के ये सुग्घर फसल होते और चार महीना में हमला हमारा आमदनी ला दे के जाते। अब हम बात करें हैं कई प्रकार के रोग राई के घलो अब हमला बात करना हवे, काबर की एकर से पहले जो हमारे किसान भाई जगह से ढेरकन चर्चा कर चुके हैं हम। मुख्य रूप से ये जानना चाहबो कि हमारे टमाटर के खेती में जब टमाटर लगते तो कैसन कैसन प्रकार के उमा कीट पतंग के प्रकोप होते, बीमारी के प्रकोप होते? उमा वो चुनचुनी जो पत्तल मोड़े वाला, पत्तल मोड़ देते हैं हाँ, वही ज्यादा एकर मेन बीमारी। एकर संगे संग फल में घलो कोनो प्रकार के बीमारी लगते? फल में हाँ धब्बा लगे वाला लगते ना। जी जी जी, तो एकर आप मन है निरीक्षण परीक्षण कैसन ढंग के करते हो, एकर पर का उपचार करते हो? पहले तो मतलब बीमारी लगते समझ नहीं आए तो मतलब विशेषज्ञ बुला लेथन, दिखाथन इमा का करना चाहिए भैया सर इसे बात करथन, तो मन बताते कि ये बीमारी है ये दवाई डाल ठीक हो जाएगी के ओकरे हिसाब से डालथन इमा। तो किसान भाई जिसे आप मन बताए कि विशेषज्ञ के आप मन है सहायता लेते हो और संगवारी हो यही बात हबे कि हमारे किसान भाई मन है हमारे किसान भाई मन बर हमारे भारत सरकार है जगह जगह में कृषि विस्तार अधिकारी मन रखे हवे ताकि आप मतलब खेती किसानी के बूता में यदि कोनो भी प्रकार के अड़चन आवत है कोनो भी चीज़ ला समझे में अड़चन आवत है तो आप मन ओकर सहायता ले सकत हो और ओकर से आप मतलब विभिन्न प्रकार के लाभ घलोक मिली। जैसे हमारा किसान भाई बताइए कि आप मन है ओकर सहायता लेते हो, तो भैया जैसे हम बात करें कि जैसे मतलब फली छेदक लग जाते है ना जैसे टमाटर में छेद देते और तो एला आप मन है दूर करे पर का कौन से दवाई डालते हैं? ये तो कीड़ा के हिसाब से ही लगते ना, सब अलग अलग इल्ली लगते सब अलग, कोनो फल खाते तो कोई पत्ता पूरा खत्म करा थे जी जी। तो फल छेदक बर फल छेदक वाला दवाई डालता वो बीमारी और बीमारी काटे के जी 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 जी। अब इकर अलावा कहा जाए कि बीमारी के और प्रकोप कब हो सकते, का हम माटी का परीक्षण करवाना हमारा अनिवार्य है, का बर अनिवार्य होते माटी का परीक्षण करवाना, का समझते आप बारे में? कहे मिट्टी परीक्षण कराए से जो सूक्ष्म जीव है नहीं है ओकर बारे में हर चीज मतलब पता चलत रही थी कि का कमी है जगह पौधा ऐसे हुआ थे का कमी है दूर करबो तो पौधा बढ़िया हुई ओकर सब पता चलत जाते एक पाके मतलब माटी के परीक्षण करवाना चाहिए। बिल्कुल सही गोठला गोठियावत है हमारे किसान भैया संगवारी हो, आप मन जिसे देखा था जाना था कि माटी के परीक्षण आजकल बहुत जरूरी हो गए है और एक बार भी हमारे भारत सरकार योजना निकाले है सॉइल हेल्थ कार्ड के, जेमा आप मतलब हर दो से तीन साल में एक बार माटी के परीक्षण करवाना अनिवार्य है। एकर से आप मतलब ये पता चल ही कि आप मन के माटी में कौन से प्रकार कौन से तत्व के कमी है और कौन से तत्व के अधिकता है जेकर हिसाब से आप मन उमा आने वाला फसल लगा सको। बहुत सुखर बात ला बताया भैया। अब हम बात करबो कि हमारा टमाटर तीसरिया चौथैया महीना में तोड़े के लायक हो जाते, तोड़े के पहली हम का प्रकार के प्रबंधन करे लगते, कैसे मतलब कौन से अवस्था में टमाटर तोड़ना चाहिए कि हम बाजार में रेट अच्छा मिले? वो तो मतलब एक दो ठो पके चालू हो गए समझ ली कि अब यहाँ शुरू हो गए तोड़े के चालू कर देना चाहिए सही के। जी जी जी, का उचित समय होना चाहिए तोड़े के? जैसे मतलब सुबह शाम या शाम वाला हो तो सुबह शाम कोई भी टाइम तोड़ सकते होला। तो जिसे हमला बाजार में भेजना है और लंबा समय तीन से चार दिन हमारे टमाटर रुक जाए ऐसा टाइप के कोई प्रबंधन करना है ओकर बार आप मन का करते हो? थोड़ा कच्चा टाइप से थोड़ा थोड़ा लाल दिखा थोड़ा तोड़ के रख ले दो दिन तीन दिन तक भी रह सकते और जो एकदम पक गए हो तो नहीं रह सके वो तो खराब हो जाए पूरा। तो ये तो बढ़िया रही उत्पादन टमाटर के, कहा जाए कि यदि हमला धुरिया भेजना है संगवारी हो तो आप मल्ला अध कच्चा टमाटर ला तोड़े लगी और यदि आसपास के बाजार में भेजना है तो बाजार भाव ला देखो धरो और ओकर बाद में सीधा टमाटर ला तोड़ के भेज दो। हम बात करते हैं अब रख रखाव के, हमला यहाँ से लेके बाजार तक के जो रख रखाव के साथ भेजना है टमाटर ला का ओकर उचित व्यवस्था ला आप मन करते हो? जो पर्रा टोकनी
केरेट है हाँ, वो मन में डाल के भेजबे तो सुरक्षित पहुंच जाते हाँ। बढ़िया बात ले बता रहे हो कि आप मन है काबर की टमाटर संगवारी हो कच्चा होते तो वो कैरेट में बहुत सुरक्षित ढंग से जाते हाँ। और दूरिया से दूरिया भी चल देते। किसान भाई आप मन जिसे टमाटर की खेती ला करा था वो एक एकड़ के पीछे कितना लागत आ जाते और कितना फायदा हो जाता हो ही? ये तो मौसम ऊपर निर्भर है सब, मौसम सही है तो सब रेट वेट सब बढ़िया रहते हैं, मौसम खराब तो फिर पानी के मोले हुआ। पानी के मोले यानी कि कहा जाए कि मतलब मौसम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से अगर मौसम ठीक है तो हमारे जो किसान भाई मन है ना अगर कहीं खर्च करी इस जितना ओकर से दुगुना तिगुना लाभ कमा सकते हैं, यानी कि टमाटर की खेती में बिल्कुल फायदा हब है। बात वो मौसम के ऊपर वाला के दिन है का है कैसे है तेनला, लेकिन संगवारी ये बहुत सुगर बात लाभ बताया हबो कि अगर मौसम बढ़िया है तब तो बात है, यदि हमार मौसम हाँ उचित ढंग से नहीं हो या बदली आ गए उस समय में टमाटर में कैसे ढंग के बीमारी के प्रकोप दिखते? वो तो शुरू में जो लगे ना वही बीमारी रही, वो तो बस वो मौसम खराब में सिर्फ पकते हो फल लगे वो पके चालू जी। अच्छा 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 ये बात हाँ। तो ये तो बहुत सुघर जानकारी ले दे हो, बहुत सुघर बात ला बताए हो, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो आप मन देखे हो सुने कि हमारे किसान भाई है कैसन ढंग के अपन अपन क्षेत्र में टमाटर के सुगर खेती ला करते थे और विशेष रूप से यही बात ला बताई से कि अगर टमाटर के खेती ला अगर करे हब है और वह मौसम है बिगड़ गए संगवारी हो तो आप मन के टमाटर है जल्दी पाक जाही, जगह से आप मन ला बाजार भेजे में बहुत तत्परता करे लगी। तो संगवारी हो आप मन अपन अपन क्षेत्र में सुगर योजना के लाभ उठा करके टमाटर के खेती या अन्य प्रकार के खेती ला करो, विभिन्न प्रकार के योजना है एकर संगे संग जल के संरक्षण करना घलोक जरूरी है। संगवारी हो वापसी के अगर हम बात करें तो हमला जैविक खेती की ओर वापस आने लगी काबर की अंधाधुन रसायन के खेती के कारण हमार जो माटी है उकर उर्वरक क्षमता घलोक ज़्यादा हानि पहुँचते, जैविक खेती से वो उर्वरक क्षमता आ गया थे तो आप मन है अधिक से अधिक जैविक खेती लगा रहो। ढेर अगन चर्चा हो गए संगवारी हो, गोड बात हो गई है, बेरा हो गई सुघर गीत संगीत के, आओ देखथन और सुनथन गीत ला। अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव मा, अरे परदेसिया आए ते मोरे गाँव मा, मायाला बढ़ा के बुलाए मोरे नाम ला, मायाला बढ़ा के बुलाए मोरे नाम ला, अरे परदेसिया
तो भाई संगवारी हो, आप मन देखे हो हमारे कार्यक्रम, हमारे मन के गीत संगीत आप मन ला कैसे लगीस ये ला आप मन है जरूर बताओ। ये पता माँ हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमारे मन के ईमेल पता गलो खाबे, ईमेल पता है programddkraipur@yahoo.com। आप मन हमारे पत्र लिखाओ, ईमेल करो संगवारी हो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आप मन के मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।